वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, पर फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आज हम आपको बता रहे हैं छोटे बच्चों का स्टैंड कॉलर कुर्ता बनाना, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा। पैक गला रहेगा और स्लीव्स भी प्रीति की तरह रहेगी, और वो भी बिल्कुल छोटे से बेबी का। और आप लोगों की ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। हाँ, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो, ठीक है ना, आप लोग डिमांड पर ही हम लेकर आए हैं। हाँ, छोटे बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े। और दूसरे सब लोग बोल रहे थे ना, जब ये वाला स्टैंड कॉलर कुर्ता बताया था, हाँ, तो बच्चों को भी बता दो, बच्चों को भी, हाँ, बता दो। तो दीदी ने डिसाइड किया कि बच्चों के नाप का भी ऐसा कुर्ता बनाना बता देते हैं। तो चलिए स्टैंड कॉलर कुर्ता बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी 4 ईयर बेबी का। और फ्रेंड्स, इसमें कॉमन बात ये रहेगी कि आप ये गर्ल्स का ही बना सकते हैं, बॉयज का भी बना सकते हैं, क्योंकि सेम ही ड्रेस रहेगी। हाँ, मेजरमेंट दोनों का सेम रहेगा, चेंज कुछ भी नहीं करना है। तो जल्दी से करते हैं हम इसकी कटिंग करना है स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं छोटे बच्चे के कुर्ते की कटिंग, जो कि 4 साल का है। तो इस कपड़े में से हमें कुर्ते की कटिंग करना है यहाँ से। दीदी, 4 साल का है नहीं है, मतलब लड़का नहीं है, लड़की है वो। 4 साल की गुड़िया है, उसका कटिंग कर रहे हैं हम कुर्ता। और उसका बर्थडे भी है, उसका कल बर्थडे भी है। तो हमें अभी बनाकर तैयार करके रख के जाना है, और कल हम उसको दे देंगे, कल वो पहन भी लेगी। यहाँ से हमने उसका ट्राउजर कटिंग कर भी लिया है, स्टिच भी कर दिया है, और आप लोगों को सिखा भी दिया है, और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसका जिसने नहीं सीखा है वो जाकर देख लीजिए उसे भी, ट्राउजर की कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब कर लेते हैं हम इस कुर्ते की कटिंग स्ट्रेचिंग। तो पहले कुर्ते की कटिंग करते हैं, इसके बाद आप इसकी स्ट्रेचिंग देखिएगा। तो ये हमारा कपड़ा डबल में है, एक बार और दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, एक सिंगल कपड़ा, इसके बाद ये किनारे से किनारे मिलाकर रखा हमने, तो ये डबल हो गया। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। दामन के हिसाब से हमने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है। दामन के बाद आपको 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, दामन का आधा कर लिया, उसके बाद 2 इंच बढ़ा लेना है। 80 सेंटीमीटर हमने लिया है, हमारा बड़े अरेस का कपड़ा है, इसीलिए अगर आपको नॉर्मल अरेस के कपड़े में कुर्ता बनाना है तो आपको 1.25 मीटर लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ट्राउजर और कुर्ता दोनों मिलाकर इसमें लगा है 1.5 मीटर कपड़ा। तो अब हम इसकी कटिंग कंटिन्यू करते हैं। कपड़े को ऐसे सीधा करने का निशान लगा लेंगे, इसके बाद यहाँ पर तिरछा करने का निशान लगा लेंगे। शोल्डर को हम कर देंगे डाउन, और शोल्डर जो है हमारे 10 इंच के हैं, तो उसका आधा हो जाएगा 5, और ये सिलाई का मार्जिन के लिए 1/2 इंच। फ्रेंड्स, बच्चों के शोल्डर आपको नाप ले लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको कॉलर वाले बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक आप शोल्डर नाप लीजिए, ज्यादा टेंशन पालने की अपन को कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर इसके बाद आर्महोल्स भी आप नाप कर देख लीजिए कि कितने आ रहे हैं। तो जो हमने नाप लिया है उनके आ रहे हैं 9, 9 के आधे हो जाएंगे 4.5, 4.5 पे हमने ये निशान लगा दिया है। अब इनके चौक बनाना है हमको 15 इंच पर, तो 1/2 इंच बढ़ाकर रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में दबेगा, तो 15.5 पर हमने ये वाला निशान लगा लिया। और बच्चे की कमर आएगी 11 इंच पर, और इंची टेप को यहाँ पर बीच में रखेंगे, शोल्डर के बीचम बीच में, और इस कुर्ते की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कुर्ते की लंबाई है 25 इंच, 2 इंच इसमें बढ़ाकर रख देंगे तो 27 इंच हो जाएगी, 1.5 इंच यहाँ पर दबेगी और 1/2 इंच ऊपर दब जाएगी शोल्डर पर। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो फ्रेंड्स, बच्चों को थोड़े लूज कपड़े पहनाना पड़ते हैं, नहीं तो फिर उनको उतारने में और पहनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिटिंग से आपको थोड़े बड़े ही लेना है, 3-3 इंच हम बड़े रख रहे हैं इन कपड़ों पर। सीने की फिटिंग 21 इंच है, इसमें 3 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 का चौथाई भाग आएगा 6, तो 6 पर निशान लगा लेंगे। कमर 19 है, 3 इंच लूजिंग ऐड करके 22 हो जाएगी, 22 का चौथाई भाग 5.5 आएगा, तो 5.5 पर निशान लगा लेंगे। हिप का जो साइज है 20 इंच है, 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 का चौथाई भाग आएगा 5.25 इंच, तो 5.25 पर निशान लगा लेंगे, 6 में 2 पॉइंट कम। और जो दामन है वो हमारे 12 इंच के है, तो 12 का आधा हो जाएगा 6, 6 पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इस निशान से इसको मिला देंगे। और बच्चों की गोलाई तो होती ही नहीं है दीदी। हाँ, क्योंकि उनका पेट निकला हुआ होता है ना, इसीलिए, बल्कि गोलाई तो आती नहीं, बल्कि पेट के पास से बाहर ही जाता है ना। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, बच्चों की में यहाँ पर भी शेप नहीं आता पड़ी थी, इसको मिला लिया हमने यहाँ से। अब क्या करना है, इस वाले निशान को भी मिला लेंगे और 1 इंच दूरी से भी निशान लगा लेंगे, यहाँ पर चौक मोड़ने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। अब हम कटिंग कर लेंगे, और मार्जिन आपको बहुत जरूरी है रखना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, जल्दी से लंबे भी हो जाते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बढ़ते ही हैं। हाँ, और अगर नहीं रखते हैं तो फिर उनको बनते ही नहीं है, 1-2 महीने बाद फेंकने के काम के रहते हैं। हाँ, इसलिए आपको यहाँ पर मार्जिन जरूर रखना है। कट गया हमारा, अब हम कट लगा देंगे, एक कट यहाँ पर चौक मोड़ने का, कमर का कट, और ये सीने के पास का। अब क्या करना है, हमको इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देना है, इसमें से बैक पार्ट को हटाना है और फ्रंट पार्ट को वापस से जमा लेना है।
आपको नेक की कटिंग करना है तो हम इसमें बना रहे हैं फुल स्ट्रेन कॉलर गला पैक वाला। तो जो गले की विड्थ रहेगी वो हम 2.25 इंच रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमने 2.25 इंच रखी है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हम 2 इंच रखें। बच्चों की में हम रख रहे हैं ये वाला साइज, बड़ों का तो हमने आपको बताया है और आप बड़ों का जाकर वहीं से देखिए और वहीं से सीखिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 2.25 यहाँ पर, 2.25 और ऐसे में 2। अब यहाँ पर लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोलाई कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें यहाँ पर गोलाई करना है हमको, ये वाली गोलाई भी हो गई। अब बैक साइड का ले लेंगे हम, बैक पल्लर ले लिया, उसमें भी हमको 2.25 इंच विड्थ रखना है और यहाँ पर कटिंग करना है। यहाँ से हमने रखा है 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा और यहाँ पर लाकर इसको खत्म कर देना है। ये देखिए ऐसे खत्म कर दिया और यहाँ पर इतना छोटा सा कट मार दिया। तो ये हमारे फ्रंट और बैक साइड की पल्लर कंप्लीट हो गए हैं। इस कपड़े को लेंगे, अब इसमें से करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। तो इस कपड़े को काट कर सीधा कर लेते हैं। तो इस वाले कपड़े को लिया हमने, यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दिया, तो हमने इसको घुमा लिया है क्योंकि हम स्लीव्स की लंबाई यहाँ से ऐसे में रखने वाले हैं इसीलिए। तो ये निशान लगा लिया हमने कपड़े को सीधा करने का और यहाँ से इंची टेप को रखना है और लंबाई का निशान लगाना है। तो जो स्लीव्स की लंबाई है वो हमारी 10 इंच की है, तो 10.5 पर निशान लगा लिया क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में ऊपर दबेगा। और ये 1/2 इंच और निशान लगाया है, नीचे भी फोल्ड होगा। और यहाँ पर हम लगाएंगे ये कफ वाली पट्टी, तो अलग से पट्टी लगेगी हमारी, तो सिर्फ 1/2 इंच दबेगा। अगर मोड़ने का होता तो फिर आपको 1 इंच रखना पड़ता एक्स्ट्रा। निशान लगा लेंगे, निशान लगाने के बाद स्लीव्स की जो फिटिंग है वो 6.5 इंच है, तो 3.25 इंच आधे में आएगा। और यहाँ पर हम ये इतना मार्जिन भी रख देंगे। और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, तो जो सीने का चौथाई भाग करने पर निकला था वही रखना है आपको, 6 इंच निकला था, इसमें 1 इंच प्लस करके रखना है आपको, तो 6 की जगह पर हमको रखना है 7। तो ये हमारा 7 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो कि ये तो हो गई इसकी चौड़ाई, अब इसको डाउन कितना करना है वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ से इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से हम तिरछा निशान लगा लेते हैं। स्लीव्स का नाप लग गया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हो गई है, अब यहाँ पर एक कट मार लेते हैं और यहाँ से 2 कपड़े पकड़ेंगे, 1 और ये 2। 2 पकड़ लिए, 2 को ऊपर कर लिए और नीचे वाले 2 में हम इसमें गोलाई कर देंगे। यहाँ से हल्का हल्का सा पतला, यहाँ से थोड़ा बड़ा और यहाँ पर वापस। ये हो गई मैं स्लीव्स की गोलाई। अब हमको यहाँ पर एक पट्टी भी लगाना है, वो भी कफ की पट्टी रहेगी, तो हम इसी में से पट्टी भी निकाल लेते हैं। 2.5 इंच की हम इसमें से पट्टी निकाल रहे हैं, ये देखिए इसी की नाप की रख लेंगे इसको। दीदी ये कौन सी पट्टी है? ये हमारी कफ की पट्टी हो जाएगी, ये जो ऊपर पट्टी लगना है इस टाइप की पट्टी हमने ये बच्चों की में कट की है। इसी के साथ हमारे पूरे कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको कटिंग का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब प्रीति आपको बताएगी इसकी स्टिचिंग करके, तो प्रीति जल्दी से आ जाओ और इसकी स्टिचिंग बता दो। फ्रेंड्स तो इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं अपन, लेकिन दीदी एक चीज बताना आपको भूल गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हमें एक कट भी लगाना है, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग हमारा ये कट 8 इंच का हो जाना चाहिए। तो यहीं से हम लेंगे और ये 8 पर एक निशान लगा देंगे और यहीं से एक कट मार देंगे। ये कट हमें थोड़ा बड़ा रखना है। तो बड़ा क्यों रख रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ, पहले लगा तो लूँ। ये कट हमने, ये वाला जो कट है, ये वाला कट लिया हमने, और ये बड़ा इसलिए रखना है क्योंकि बच्चों का सर थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता, लेकिन क्या बच्चों को ना पहनने पहनाने में परेशानी होती है। अपन तो ऐसा ऐसा हर कैसे याद करके पहन लेंगे, लेकिन बच्चों के आराम से पहनाने में बैठ जाते हैं वो। हाँ तो कंफर्टेबल रहे, आराम से पहन जाए, इसलिए अपन थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, कॉलर वाला भी है ना इसलिए। तो अब अपन को क्या करना है, इसको लेंगे अपन, इसके ऊपर रख देंगे और यहीं से निशान उठा लेंगे। ये हमने लिया और ये 3 कपड़े पकड़े और नीचे, क्योंकि इसके ऊपर रख दिया ना मैंने इसको, ठीक है। अब हमें इसको कर देना है साइड में और यहाँ पर हम लगाएंगे पट्टियाँ। इसको खोल के कर दिया है हमने सिंगल, और ये जो बचा हुआ कपड़ा है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो दीदी ने आपको ट्राउजर कटिंग किया था तब बता दिया था कि 1.5 मीटर कपड़े पूरा सूट आराम से बन जाएगा। और ये इतना कपड़ा बच भी गया है क्योंकि ये बड़े अरस का कपड़ा था। नॉर्मल अरस का भी होता ना तो आराम से 1 साइड तक तो आराम से बन ही जाता, थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है कुर्ते में, लेकिन 1 साइड तक तो आराम से बन जाता। तो दोनों में प्रीति, दोनों में, हाँ कुर्ते में भी और ट्राउजर में, दोनों की बात कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ के लिए जो हमने पट्टियाँ ली है, इसमें 2 पट्टी लगेंगी, ये ऊपर वाली और एक ये अंदर वाली। तो ये जो ऊपर वाली के लिए जो पट्टी ली है मैंने, 2.5 इंच चौड़ाई है इसकी, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से ये जो कट लिया है हमने उससे थोड़ी सी बड़ी ली है, मतलब लगभग 2 इंच बड़ी ली है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाली जो पट्टी है, अंदर वाली पट्टी, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसको भी मैंने इससे थोड़ा सा बड़ा रख लिया है। तो अब हमें इसको लेना है, इसे सामने रखना है। सामने रख कर ये छोटी वाली पट्टी लेंगे, उसको यहाँ पर उल्टा करके रखेंगे। ये कट तक हमने सिलाई लगाई,
और यहीं से हमने इसको निकाल दिया। उसके बाद इसको हम तिरछा कट करेंगे, इसको पलट देंगे, यहाँ पर नाखून लगा लेंगे, तरीके से इसको पलट के कर देंगे अंदर। ये हमारी एक पट्टी लग चुकी है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। ये एक लग गई हमारी, अब हमने इसको उल्टा करके रखा है और उल्टा करके अब हम ये 2.5 इंच वाली पट्टी ले लेंगे। दोनों ही कपड़े उल्टे उल्टे हैं, हाँ। यहाँ से हमने रखा, जितना हमने इसमें दबाया था उतना इसमें दबाना है। ये लग गई, इसमें भी हम तिरछा कट लगाएंगे। लगा दिया, यहाँ पे नाखून लगा देंगे, नाखून लग गया। इसके बाद हम इसको पलट के कर देंगे सीधा, हो गया। यहीं से इसको लेना है, इसको इतना फोल्ड करके ये हमारी 1.25 इंच की लगभग बन के आ जाएगी। ये जो हमारा मार्जिन रहेगा इसको हम अंदर कर देंगे, बाहर नहीं दिखना चाहिए। ये जो हमारा कट है ना, ये वाला कट फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारे 1 इंच नीचे तक इसको लेना है। कट करने के बाद इसको हम यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से करेंगे। ये बन गई हमारी नोक हल्की सी। ये जो हमारा कट है ना, यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पट्टी लग गई है, यहीं से हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये धागे को कट करेंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है, यहाँ से पीछे साइड से भी, ये हमारी आगे साइड से। तो प्रेस ब्रेस लगने के बाद तो बहुत मस्त लगेगी, और आप चाहें तो इसमें बकरम लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहती है। ये कटिंग कर दिया, अब हमने ले लिया है बैक पार्ट, और बैक पार्ट को रख लेंगे हम सीधा करके, हमने सीधा करके रखा, और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके। रख दिया, अब यहीं से हम इसको शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया, यहीं से हम इसको तिरछे में कट कर देंगे। इसके जैसे हम ये वाला शोल्डर भी ज्वाइन कर देंगे। दोनों शोल्डर हमारे ज्वाइन हो चुके हैं, अब हम इसको लेंगे और यहाँ से खोल देंगे। खोलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है और इसको यहाँ से मेजर करके देखना है। वो आ रही है हमारी 13 इंच की। तो हमने जो बच्ची की कॉलर नापी थी उसके यहाँ से हमने गर्दन नाप ली थी, तो उसको आ रहा था 12 इंच। तो ये जो एक इंच है अपना एक्स्ट्रा आ रहा है 13 इंच, तो ये पट्टी का एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे थोड़ी सी आगे चढ़ जाएगी 1 इंच, तो एकदम 12 इंच की बराबर बन के आ जाएगी, मतलब नेक में उसके एकदम सही बैठ जाएगी। और प्रीति, किसी को थोड़ी छोटी कॉलर लगाना हो तो, मतलब कि किसी के बच्चे का साइज 12 नहीं आ रहा हो, 10 आ रहा हो मान लो, हाँ, तो थोड़ी सी इसकी विड्थ थोड़ी सी कम रखना पड़ेगी, 2-2 इंच रखेंगे तो आ जाएगा आराम। ये हमने 13 इंच का बकरम ले लिया है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच की है। हमने फोल्ड कर लिया, बीच में से फोल्ड करके ऐसे रख दिया है। इसके बाद हम अपना कुर्ता ले लेंगे, कुर्ते को बीच में से फोल्ड कर दिया हमने और यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद इस बकरम को हमें यहाँ पर ऐसे रखना है, रखने के बाद इसको हमें ऐसे निशान लगाना है। ये हो गया, इसकी हम कटिंग करेंगे। थोड़ा सा शेप हम अपने मन से भी दे सकते हैं कि किस टाइप का आ रहा है। ये हो गई हमारी यहाँ की कटिंग। इसके बाद इसको पलट देंगे और 1 इंच चौड़ी पट्टी हम इसमें से निकालेंगे। इसको तिरछा कट किया, 1 इंच से कम हो जाए पर बढ़ना नहीं चाहिए। ये हो गई हमारी कॉलर की कटिंग। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। कपड़े को रखा है हमने उल्टा करके और बकरम को, ये जो शाइनिंग वाला है इसको नीचे कर, पेस्ट हो चुकी है इसकी। इतने इतने दूरी से 1 सेंटीमीटर दूरी से कटिंग कर देंगे कि हमने कटिंग कर दी है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई है ना, इसलिए हमने कट लगाए दो। अब इस मार्जिन को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको मार्जिन को चिपका देना है इसमें। अब यहाँ से भी हम इतना इतना मार्जिन रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर ली है और इसी के नाप से हमने एक फैब्रिक और निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉर्नर से पक्की सिलाई लगाकर बकरम की बिल्कुल बगल से सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, और यहाँ पे पक्की सिलाई करनी है। ये हमने बकरम की बिल्कुल बगल से सिलाई लगा दी है, अब इसी के नाप से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने कटिंग कर दी है, इसके बाद यहाँ से भी हमने 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रखा और कटिंग कर ली है। अब इसको हमें यहाँ से बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे लेना है और सेंटर का एक कट मार देना है। सेंटर का कट मारने के बाद यहाँ पर गोलाई है, इसलिए छोटे से कट लगा देंगे ताकि ये भजे नहीं, एकदम गोल अच्छे से आ जाए मार्जिन, फिनिशिंग आ जाए। ये लगाने के बाद इसको हमें कर देना है सीधा। सीधा कर दिया है, पेचकस से इसकी नोक को बाहर निकाल लेंगे दोनों साइड की। अब हमें क्या करना है, इस कुर्ते को लेना है और रखना है उल्टा करके।
ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बिना स्किप करे वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा। कुर्ते को हमने अंदर कर लिया है और वो भी उल्टा करके, और स्टैंड को रखा है हमने सीधा करके। इस तरीके से यहाँ पर इसको रखना है, ये रख दिया हमने, और यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, पक्की सिलाई होगी। और तिरछे कट जो हमने लगाए थे वो इसीलिए लगाए थे ताकि यहाँ पर हमारा ये दबे नहीं, हमारजन तिरछे में आ जाए। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुर्ते का सेंटर का कट, और ये हमारा स्टैंड का सेंटर का कट। इस तरीके से लेना है इसको, ऐसे तिरछा करके पकड़ना है। ये देखिए, ये हमारी कॉलर लग चुकी है। अब इसको हम यहाँ से लेना है, पलट के कर देना है सीधा, और यहीं से अब हम कर लेंगे सीधा करके इसको अंदर, और इस कॉलर को हम पलट के यहाँ पर लाएंगे। ये देखिए, पूरे मार्जिन को करेंगे अंदर, और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई, और सिलाई लगाकर इसको हम पूरे को अटैच कर देंगे। पहले मैं बाहर से दिखा देती हूँ आपको। पलटने के बाद यहाँ पर हम इसको पॉइंट की सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे, और इसके ऊपर यहाँ पर भी पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। ये हमने इसको अटैच कर दिया, यहीं से हम इसको घुमाएंगे, सुई को अंदर रखेंगे, और इस पे पूरे पे पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पक्का तो आपको जरूर करना ही करना है, हर जगह करना है। मुझे पता है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सुधार करना है ना अपने काम में, तो आप तो बस मैं जो काम करती हूँ उसको ध्यान से देखा करो, आपके वैसे ही सुधार होता जाएगा। छोटे बच्चे की स्टैंड कॉलर कितनी अच्छी लग रही है, देखना जी, छोटी मोटी सी प्रेस लगा के एकदम मस्त सी जमा देंगे अपन इसको। वो पहले ही जमा। अब हम इसमें लगाएंगे स्लीव्स, तो पहले स्लीव्स बना लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ का कफ है जो मेरे में लगा हुआ है, ऐसे हम सेम टू सेम बना रहे हैं। इसको लेना है यहाँ से, तो ये हमने आस्तीन ली, और उल्टे पे ही हमें इस पट्टी को रखना है, और यहाँ से सिलाई लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है, इसको पलट के कर लेंगे सीधा, और सीधा करने के बाद इस पट्टी को पलट देंगे हम यहाँ पर, और दोनों को पलटेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। पॉइंट की सिलाई इसमें हमने लगा दी है। अब हम इसको ऐसे लेंगे, और इसको आधा इंच अंदर कर देंगे, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हमें इस टाइप का लूप्स इसमें लगाना है। तो ये हमने बकरम ले लिया है, इसकी चौड़ाई तो ज्यादा ही है क्योंकि बच्चों के नाप से हम नहीं रखते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 5.5 इंच की लगभग। इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर देंगे, पूरे को फोल्ड करने के बाद इसको हम कट करेंगे। ये हमारा कट हो चुका है, देखिए यहाँ से लेके ऐसा ही हमारा इसमें लग जाएगा। तो अब हम इसको बनाएंगे कपड़े के ऊपर। तो हमने एक ये कपड़ा ले लिया है, यहाँ से इसको रखना है। ये हमारा बन चुका है, और अब हमें इसकी कटिंग कर देना है यहाँ से। ये हो गई कटिंग। इसके बाद हमें पेचकस की हेल्प से इसको सीधा करना है। देखिए इस तरीके से हम ये सीधा कर लेंगे, और यहीं से हम पूरा सीधा कर दिया हमने। पेचकस को अंदर करने के बाद इसकी नोक निकालेंगे तीनों साइड की। ये देखिए नोक हमारी निकल गई है, बाहर कर लेंगे पेचकस को। ये हमने अपना लूप्स बना दिया है, ये हमारा सेंटर है, और यहीं से हमें इसको रखना है नीचे साइड से। नाप के देखने के बाद हम इस पर पहले लगाएंगे सिलाई, पहले नीचे वाले को अटैच करने की सिलाई, इसके बाद हम इसको पलट देंगे यहाँ से। पलटने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। ये लग चुका है, यहाँ पर हम बटन टांग देंगे, और इसी के जैसा हम लूप इस साइड भी लगा देंगे। इसके जैसा हमने इस वाली स्लीव्स को भी बना दिया है। अब हम इसको लेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम मेजर करके देख लेते हैं, एकदम फिक्स आ रही है, यहीं से हम लगा देंगे। डबल सिलाई लगाकर दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे पलट देंगे, और यहाँ से हम इन कट्स को मिला लेंगे। स्लीव्स जो थी हमारी, स्लीव्स की फिटिंग थी 6.5 इंच, तो इसका आधा हमने लगाया 3.25 इंच। इसी के ऊपर कर देंगे हम डबल सिलाई, और इसी की जैसी फिटिंग कर देंगे हम इस साइड। डबल सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है, ऐसी फिटिंग हमने यहाँ पर कर दी है। कमर में गोलाई तो होती नहीं है, तो कट लगाने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम बनाएंगे चौक, तो एक पार्ट को उठाना है। ये हमने उठाया, और यहीं से ये एक, और ये दो पलटी में हम इसको फोल्ड करेंगे। अगर आप गर्ल्स का कुर्ता बना रहे हैं तो चौक आपको इस टाइप की बनाना है, अगर आप बॉयज का बना रहे हैं तो फिर आपको इतने पतले पतले बनाना है, इतने पतले पतले।
और फिर मार्जिन भी आपको इससे आधा रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स तो यहाँ का हमारा पीछे का दामन भी बन चुका है, अब हमें इसमें लगाना है बटन्स। तो हम कल लगा के ब्लॉग में आपको पूरा सेट कंप्लीट करके, इसका ट्राउजर भी कंप्लीट करके, ट्राउजर में भी बटन लगेंगे, पूरा कंप्लीट करके कल ब्लॉग में दिखा देंगे। और ब्लॉग के चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ब्लॉग के चैनल का नेम है प्रिया प्रीति ब्लॉग्स। और ये कुर्ता कैसा लग रहा है बच्ची का, फुल स्टैंड कॉलर मेरे जैसा, आप लोगों की हाई रिक्वेस्ट डिमांड पे हमने इसको बनाया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इस वाली वीडियो को भी भर भर के लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।